नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं जयसिंह शेखावत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकते हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी है और आज के लिए, आज ऐसे कौन कौन से पॉइंट के लिए हम डिस्कस करके गए थे और मार्केट ने क्या टारगेट अचीव किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 20,040 का लेवल मैं बता के गया था। 20,040 के ऊपर हमारी बाय की पोजीशन रहेगी। ऊपर में हमारे टारगेट थे 20,080 और 20,110। इसमें से मार्केट ने 20,096 का हाई लगा के ऊपर तक मतलब आपको बढ़िया टारगेट दिए हैं, ठीक है। और जो जोन बताया था वहां पे भी अगर नीचे के लेवल पे किसी ने खरीदारी करी होगी तो डेफिनेटली वो व्यक्ति प्रॉफिटेबल रहा होगा। बैंक निफ्टी के अंदर नीचे का मैं एक जोन बता के गया था, 250 के आसपास का ये वाला जोन था। ये जोन मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट से यहाँ पे शानदार हायर हाई का पैटर्न बनाया और ऊपर की साइड निकल गया। और इसी को देख कर गाइज मैंने भी एक शानदार अगर ट्रेड दी थी। मॉर्निंग में 9 बाउन पे 45,300 की सीई दी थी, 160 170 के आसपास, और एसएल रखा था टुडेज लो क्लोजिंग बेसिस। और अगर गाइस इसकी बात करें तो ये करीबन इसने हाई लगा दिया है। अब किसी ने अगर होल्ड किया हो तो 712 का हाई लगाया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे 650 का अपन डिस्कस करके गए थे कि भाई 600 के ऊपर ये वाला पॉइंट जैसे ही बैंक निफ्टी निकालेगा तो हम करीबन 800 850 तक, 200 250 पॉइंट तक ऊपर के लेवल पे बैठ जाएंगे। अगेन मार्केट ने इसको शानदार निकाला, यहाँ रीटेस्ट किया और यहाँ पे मैंने 800 तक के टेलीग्राम में बाकायदा टारगेट दे के गया हूँ। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा था कि भाई 800 ऊपर में कहाँ तक टारगेट है, बैंक निफ्टी ऊपर 850 45,800 तक, और वहां से शानदार उसने 945,000 के आसपास तक शानदार टारगेट आपको दिए। तो गाइज एक्चुअल में नीचे के लेवल पे अगर खरीद के अगर किसी कोई बैठा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो देखो, अगर कल की अगर गिरावट देखते हैं तो कुछ खास थी नहीं, गिरावट तो कुछ खास नहीं थी, बस एक बिकवाली उसके अंदर थी इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में। वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी या प्रॉफिट बुकिंग लाई गई है, तो वॉट एवर जो भी था उसका निर्णय भारत सरकार से भी कुछ करेगी। तो अब कल किस तरह से इसके अंदर ट्रेड करें तो इसका वन डे का चार्ट एक बार देख लेते हैं निफ्टी का। अब ऊपर की साइड में गाइस इसके टारगेट आपको थ्योरेटिकल फिबोनाची के थ्रू ही लेने हैं, लेकिन अब फ्रेश बाइंग आपकी इस पॉइंट के ऊपर जो कल का हाई है 110, 20,110 के ऊपर बाय करेंगे। और अगर इसके ऊपर अगर हम बाय करते हैं तो फर्स्ट टारगेट 20,171, सेकंड टारगेट आपका आ गया 20,232। तो इन दो टारगेट के लिए हमारी बाई की पोजीशन रह सकती है कब, जब जो आपका 110 का लेवल निकालता है। तो ये वाला जो जोन हो जाएगा यहाँ पे, क्या है कि सेलर हावी है यहाँ पे, ये वाला एक इस तरह से एक जोन हो जाएगा सेलिंग का। अगर मार्केट गैप अप खुल के इस जोन के ऊपर मतलब 20,110 के ऊपर निकलेगा तो बाय की पोजीशन में रहेंगे, अदरवाइज बाय ऑन डिप हमारा जो मार्केट है पॉजिटिव कहाँ तक रहेगा, 20,040, 20,040 तक हम पॉजिटिव हैं। और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो इमिडिएटली सेलिंग की तरफ देखा जा सकता है मार्केट, और नीचे में कहाँ तक जो ये एक जोन है नीचे वाला, इस जोन तक मार्केट आपका यहाँ पे आ सकता है। तो फ्रेश बाइंग आपके 20,110 के ऊपर आपके टारगेट रहेंगे 20,171 और 20,222। ये इस टारगेट के लिए बाय की पोजीशन। एसएल फिर रह जाएगा आपका 20,080 का, अगर मार्केट आपका 110 का लेवल क्लोजिंग 5 मिनट की कैंडल लगे या 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करता है, गैप अप खुलता है सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे। और अगर यहाँ पे अगर एक रेंज में मतलब ये वाला जो एक छोटी सी रेंज हो गई इसकी 58 और ऊपर में 92, तो यहाँ पे अगर टाइम पास करता है तो ये वाली रेंज हो गई या 40 मतलब 20,040 से लेकर 20,100 तक की रेंज, 60 पॉइंट की रेंज में अगर कल एक्सपायरी वाले दिन टाइम पास करता है तो
मार्केट फुल इग्नोरेबल है, क्योंकि न तो आपके कोई प्रीमियम बढ़ेंगे और टाइम डिके का लॉस रह सकता है। तो अगर इस रेंज को किधर तोड़ेगा तो एटलीस्ट आप 50-50 पॉइंट दोनों तरफ, 50-60 पॉइंट आप आराम से ऊपर की साइड या नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हैं। अब है सिचुएशन फ्लैट पुल के नीचे आता है तो 20,040 का लेवल, इसके नीचे ही कोई पुट की पोजीशन, लेकिन लेस क्वांटिटी और मे बी इग्नोरेबल। और यहां से कहां तक, 19,940 तक ये वाला एक सपोर्ट, अगेन मार्केट ने एक बार यहाँ टच हुआ, दो बार और तीन और एक आज मॉर्निंग में भी 4 बार यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। तो 20,940 तक एक पुट की पोजीशन, मतलब 100 पॉइंट के आसपास के आपके ऊपर के लेवल से पुट की पोजीशन, एसएल फिर आपका हो जाएगा 20,065 का या 20,080 का, 20,065 15 पॉइंट का एसएल ठीक है। और अब सिचुएशन एक गैप डाउन खुलता है यहाँ पे 20,040 के आसपास अगर खुलता है और इसको होल्ड करके एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन का, अगर मान लो ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्ट होता जा रहा है और यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो हम एक ऊपर की साइड में बाई पोजीशन की तरफ भी बैठ सकते हैं। और फ्लैट खुल के नीचे हो गया, गैप डाउन है, तो बाय पॉजिटिव बता दिया मैंने आपको कहाँ तक है, तो वो सिंपल सा ध्यान रखना है। अब है गाइस बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वनडे के चार्ट पे बुलिश है और अब बियर, मतलब अगर ओवरऑल अगर आप देखते हो तो शानदार कैंडल बनाई है। निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स सेम लेवल पे है, तो बाय की पोजीशन डेफिनेटली हमारी एक डिप मिल जाए 20-45,800 तक। देखो 45,800 तक अगर डिप मिलती है, 45,800 तक अगर मार्केट सस्टेन करके एक फ्रेश ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो हमारी बाय की पोजीशन रहेगी। ऊपर में टारगेट आपके हो गए 46,097, 46,000, ये 46,000, 46,100, ये दो टारगेट के लिए। तीसरा टारगेट है आपका 46,222, इन दो तीन टारगेट के लिए ऊपर के लेवल पे बाय कर सकते हैं। एसएल फिर आपका हो गया 45,750 ठीक है। अगर मार्केट आपको एक डिप देते हैं एटलीस्ट इस पॉइंट के आसपास तक, तो हम एक बाय की पोजीशन में रहते हैं। या फिर अगर फ्रेश ब्रेकआउट देता है मार्केट कहाँ पे 45,000 46,097 के ऊपर ही कोई फ्रेश बाइंग देखना, क्योंकि अब 50 पॉइंट के लिए अगर घुस जाओगे मार्केट वहां से कहाँ रिजेक्शन आ जाएगा। रेजिस्टेंस बता देता हूँ मैं आपको, अब जैसे आज का इसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, डोजी बना के नीचे नेगेटिव सेनारियो बनाना शुरू कर दिया, तो 46,000 मतलब 46,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, साइक्लोजी नंबर भी है। यहाँ पे क्या है कि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, तो या तो इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो हमारी बाय की पोजीशन होगी, या फिर ऊपर के लेवल पे अगर गैप अप खुलता है तो सेलिंग आप कर सकते हो कहाँ तक, 45,800 तक। और 45,800 तक अगर मार्केट आता है वहां पे बढ़िया प्राइस एक्शन आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तो बाय की साइड में, और अगेन आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे तो वहां से एक सेलिंग देख सकते हो। तो 45,800 के नीचे भी आप कहाँ तक जा सकते हो, तो 45,650 ये वाला एक सस्टेन कर सकता है इस पॉइंट तक, मतलब 45,040 के आसपास तक एक डिप मार्केट दे सकता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर का लेवल 45,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इमिडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। 45,800 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से एक पुट की पोजीशन, तो मार्केट का सिंपल व्यू है। लेकिन बाइंग आपकी 46,000 के ऊपर, सेलिंग अगर करते हो सेलिंग में लेस क्वांटिटी रखनी है और करीबन लेस क्वांटिटी, और 45,800 के नीचे ही कोई सेलिंग देखना है कम क्वांटिटी में, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जितना नीचे, मतलब अगर 45,650 से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने लगे तो यहाँ पे भी बाय मिल सकता है। तो मार्केट अभी क्या है कि वीकली चार्ट अगर आपने देखा हो, कल भी मैंने दिखाया था, तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। जितना यानी कि इसने गेन है जो इसको रिट्रेस करना था वो कर दिया। अगर लाइन चार्ट देखो तो ये देखो एक, मतलब इस तरह से ये एक बनाया, एक ये और एक, या तो ये बनाएगा या ये वाला पैटर्न बनाएगा, तो दोनों तरफ के लिए हम रेडी रहेंगे। तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स रखेंगे, पॉजिटिव है लेवल्स मैंने बता दिए कहाँ कहाँ तक हम पॉजिटिव हैं। तो गाइस आज भी शानदार ट्रेड कराई थी, एक्सपायरी पे नॉर्मली ट्रेड कराता हूँ मैं,
और मॉर्निंग में इतना शानदार अगर किसी ने होल्ड किया हो तो 750 तक का भी तक चल रहा होगा एक लोट भी अगर आप किसी ने, लेकिन कोई रुकता नहीं है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक जरूर करें गाइस, लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।